आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं वो कहीं ना कहीं आपको हैरान तो जरूर कर देगी, लेकिन साथ ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि घर के बड़े या बुजुर्ग अगर कुछ कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं सही होता है। ये पूरा मामला सामने आ रहा है ईस्ट दिल्ली के कल्याणपुरी थाने से, जहां पर एक दादी ने अपने पोते के खिलाफ FIR दर्ज करी है। ये पूरी FIR दर्ज इसलिए कराई गई क्योंकि पोता 6 महीने पहले एक कुत्ता घर पे लाया था जिसका नाम रैम्बो रखा गया था। वो दादी को बिल्कुल नहीं भाता था और दादी ने उसका रौद्र रूप देखने के बाद पोते को समझाया कि ये कुत्ता बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है परिवार वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए, तो इसको छोड़ आए वापस। लेकिन पोता हमेशा से ही नज़रअंदाज कर दिया करता था दादी की बातों को, उनकी बात को अनसुना कर दिया करता था। लेकिन जब उस कुत्ते ने, जब रैम्बो ने दादी पर ही हमला कर दिया और ये हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि दादी बिल्कुल ही जख्मी हालत में मिली, तो उनको लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल के बाद पूरी जांच हुई तो दादी इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि उन्होंने पोते के खिलाफ ही FIR दर्ज कर दी। ये पूरा मामला कल्याणपुरी थाने में दर्ज कराया गया है, जहां पर पोते के ऊपर FIR की गई है कि उसके लाए गए कुत्ते की वजह से दादी को जो चोटें आई हैं उससे दादी बेहद ही नाराज चल रही हैं। इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मैं इशिका